सनातनीय मर्यादा में एक एकादशी का वर्णन किया गया है, एकादशी की महिमा का वर्णन किया गया है। धर्मराज दुष्कर ने भगवान श्री कृष्ण को पूछा कि भगवान आपसे मैं ये प्रार्थना करके पूछना चाहता हूँ, आप यह बताइए कि यदि व्यक्ति इस समय बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकता तो बहुत कुछ कम करने पर वह मुक्ति को प्राप्त हो जाए, या इहलोक में उसको जीवन यापन में उसको भी किसी भी प्रकार की कठिनाई का एहसास न करना पड़े, उसके लिए कोई आप उपाय बताएं, समाधान बताएं, तो भगवान आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को कहा कि अश्वमेध या किसी भी बढ़कर के जिसका पुण्य प्राप्त होता है उसका नाम है एकादशी। एकादशी की इतनी बड़ी महिमा है, लेकिन इसमें यह ध्यान रखना चाहिए कि एकादशी के दिन पांचों ज्ञानेन्द्रिय, पांचों कर्मेंद्रिय, 10 और 11वां मन, ये 11 तत्व हमारे वश में होने चाहिए। सिर्फ हम अन्न छोड़ करके एकादशी का व्रत करें तो यह व्रत पूरा नहीं होता है। इसमें हम अपनी शांति के साथ में, अपने पवित्र विचारों के साथ में इस व्रत को हम करें, किसी से लड़े नहीं, किसी से झगड़ा नहीं करें, और भी मन में कोई असंयमित स्थिति न बने इस व्रत के लिए। तब भगवान श्री कृष्ण को धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, भगवान आपके शब्द मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत बढ़िया लग रहे हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आप मुझे ये बता दें कि यह एकादशी प्रकट किस प्रकार से हुई। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि धर्मराज युधिष्ठिर, मार्गशीर्ष अग्रहण की बात थी और उस समय की यह बात थी जो मैं तुम्हें बताने के लिए जा रहा हूँ कि 11 से एकादशी किस प्रकार से प्रकट हुई। बात उस समय की थी, चंद्रावती नगरी में एक नाड़ीजंग नाम का राक्षस हुआ था और उसका एक पुत्र हुआ, वो बहुत ज्यादा बलिष्ठ था, जिसका नाम था मुर नाम का देवते, और इतना बड़ा वो बलिष्ठ था कि देवताओं के किसी भी कब्जे में नहीं आ रहा था। इसने देवराज इंद्र की गद्दी को हड़प लिया, विधाता ब्रह्मा स्थान छोड़ करके चले गए, देवराज इंद्र भी वहां से चले गए, और इसने इतना बड़ा आतंक फैला रखा था। तब सभी देवता मेरे पास में प्रार्थना करने के लिए आए, मैंने उन्हें आश्वासन दिया कि तुम चिंता मत कीजिएगा, मैं तुम्हारे इस कष्ट को मैं दूर करूंगा, और मैंने देवताओं को ये भरोसा दिला करके 10,000 वर्ष तक उस मुर नाम के दैत्य के साथ में मैंने युद्ध किया। लेकिन युधिष्ठिर, मैं क्या बताऊं, वो इतना बलिष्ठ था, वो इतना बलवान था कि उस निशाचर को जीतना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा था। मैंने 10,000 वर्ष तक इतना घमासान युद्ध हुआ, मेरा इतना बड़ा युद्ध हुआ, और ये उस समय में इतना आश्चर्यचकित था कि इतना लंबा युद्ध करने के तत्पश्चात भी मैं उस नाड़ी जंग के बेटे उस निशाचर को मैं किसी भी प्रकार से जीत नहीं पा रहा था। मुझे इतनी थकान हो गई कि उस समय मैं बद्रीनाथ में विश्राम के लिए चला गया, और वहां मैंने एक हेमवती नाम की गुफा में जाकर के मैंने विश्राम करने की सोची, लेकिन वह निशाचर वहां भी मुझसे युद्ध करने के लिए चल करके आ गया। उस समय मैं गहरी निद्रा में था, लेकिन हुआ युधिष्ठिर उस समय ये स्वयं भगवान कह रहे हैं, परमात्मा कह रहे हैं इस बात को कि मैं जब हेमवती गुफा बद्रीनाथ में जब मैं अंदर शयन कर रहा था और वो निशाचर मेरा पता लगाता हुआ वो वहां भी मुझसे युद्ध करने के लिए आया, उसने कहीं मेरे ऊपर प्रहार करने की कोशिश की होगी, उसी समय मेरे विग्रह में से एक देव कन्या ने वहां पर प्राकट रूप स्वीकार किया, और हुआ यह कि उस कन्या ने मुर नाम के दैत्य के साथ में युद्ध किया और उसमें उस कन्या को सफलता मिली और उसने उस दैत्य को नीचे गिराया और उसको समाप्त कर दिया। बहुत देर के तत्पश्चात जब मेरी निद्रा भंग हुई, मैंने देखा कि मेरे सामने एक देवी खड़ी हुई है। मैंने उसको पूछा कि तुम कौन हो, तो उसने जवाब दिया कि आप मेरे पिता हैं, मैं आपके विग्रह से प्रकट हुई हूँ, ऐसे ऐसे मुर नाम का दैत्य आपका वध करने के लिए चल करके आया था, इसलिए मैंने इसको समाप्त किया है। भगवान के लगे युधिष्ठिर ये सब सुनकर के मेरी आंखें भर आई, आंख में आंसू आ गए, और मैंने उस देवी को कहा कि देवी तुम जो चाहोगी सो वरदान मुझसे तुम मांग सकती हो, तुम मुझसे मांग लीजिए। तब उस देवी ने कहा, प्रभु मुझे ये वरदान दे दीजिए कि आज के दिन जो मेरे नाम का व्रत करेगा, मेरी उपासना करेगा, मुझे वंदन करेगा, मुझे प्रणाम करेगा और मेरे नाम से यदि वह अन्न छोड़ेगा तो उसके लिए मुक्ति सहज हो जाए, उसके लिए आपका धाम सहज हो जाए। उस व्यक्ति को लेने के लिए यमराज के दूत नहीं, उस व्यक्ति को लेने के लिए आप स्वयं चल करके आए, मुझे ये वरदान में दे दीजिए। तब उसी समय भगवान कहते हैं कि मैंने उस समय उस देवी को वरदान में दिया था, मैंने उसको कहा था कि देखिए आज 11 तिथि है, इसलिए लोग तुमको एकादशी के नाम से जानेंगे, और दूसरे शब्दों में लोग तुम्हें विष्णु प्रिया कहेंगे, मेरा एक नाम हरि है, लोग तुम्हें हरि प्रिया के नाम से जानेंगे, और ये मैं तुमको वायदा करता हूँ जो निराहार रह करके सिर्फ फलियार के ऊपर, दुग्ध के ऊपर, फल के ऊपर जो व्रत करेंगे और तुम्हारी तिथि में जो मेरा वंदन करेंगे, मुझे पूजन करेंगे, मेरे ऊपर तुलसी चढ़ाएंगे, उनको लेने के लिए इस धरा पर मैं स्वयं चल करके आऊंगा।
तो ये उत्पन्न